डेमो चेक के जो हमारे लाभार्थी हैं उसमें हमारी स्वयं सहायता समूह के ये चार लाभार्थी हैं, श्रीमती प्रमिला वर्मा, श्रीमती पूजा, श्रीमती गायत्री देवी, श्रीमती मंजू देवी। इन चारों को 21 करोड़ का ये डेमो चेक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। आप सभी इस बड़े चेक के लिए दमदार तालियां बजाएं। राइस मिल बाबा राजकरण इंडस्ट्री प्रोप्राइटर नवीन वर्मा जी को ये डेमो चेक 3.50 करोड़, जोरदार तालियां। एमएसएमई ट्रेडिंग श्री पाली सती ट्रेडिंग कंपनी श्री संजय अग्रवाल जी 2.72 करोड़ का डेमो चेक आपको। आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक पहुंचे। एमएसएमई ट्रेडिंग के अंतर्गत शिव ट्रेडर्स श्री राजेंद्र प्रसाद जी 1.60 करोड़, ओडीओपी के अंतर्गत श्री वीरेंद्र निषाद जी 3 क्रशर श्री विशाल वर्मा जी 우디오가 श्री हेमंत सिंह जी। स्वामी विवेकानंद योजना के अंतर्गत टैबलेट जिन छात्र छात्राओं को मिलने जा रहा है उसमें सुश्री प्रिया सिंह जी, ये एमए भूगोल की छात्रा है। आप सभी इन छात्र छात्राओं के लिए भरपूर तालियां मंच तक प्रेषित करें। राहुल कनौजिया जी, आप एमए प्राचीन इतिहास के छात्र हैं। राहुल कनौजिया जी, सादिया फातिमा जी, आप एमए अंग्रेजी की छात्रा हैं। इनको टैबलेट माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभकर कमलों से दिया जा रहा है। आप सभी तालियां लगातार बजाते रहे हमारे इन छात्र छात्राओं के लिए। एमएससी गणित के छात्र सत्यम नमन, सत्यम नमन, हिमांशु सिंह, एमएससी वनस्पति विज्ञान, हिमांशु सिंह, हिमांशु सिंह एमएससी वनस्पति विज्ञान, युवाओं को उनके भविष्य के लिए प्रोत्साहन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया जा रहा है। एक एक युवा हमारे उत्तर प्रदेश का भावी कर्णधार है। मैं अनुरोध करूंगी कि जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं। दिव्यांशी सोनी एमएससी भौतिक विज्ञान, सौम्या तिवारी एमएससी जंतु विज्ञान, आज इसी का परिणाम है कि आज से 7 वर्ष पहले के उत्तर प्रदेश देश का एक डार्क स्पॉट माना जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश भारत की विकास का बैरियर है। आज वही उत्तर प्रदेश डार्क स्पॉट नहीं बल्कि भारत के विकास का एक ब्राइट स्पॉट के रूप में अग्रसर होकर के भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की तैयारी के साथ अपने आप को खड़ा किया है। आज उत्तर प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विकास का जो भी विजन दिया गया है, विकास के उस विजन के अनुरूप हरेक कार्य में
ड्राइविंग सीट पर बैठ करके लीडरशिप की स्थिति में आकर के कार्य के एक मॉडल प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। और यही कारण है कि पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपना परसेप्शन बदला है। जिस प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागर्दी होती थी, अव्यवस्था फैलती थी, माफिया हावी थे, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं था, आज वही उत्तर प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। कानून व्यवस्था का मॉडल बनाने में सफल हुआ है। सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाला राज्य के रूप में आया है। सर्वाधिक रोजगार सृजन वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं अपने युवाओं को कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वह समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहनों और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। वहां पर महिलाओं के लिए महिला संरक्षण गृह बना देंगे। वहां पे निराश्रित बच्चों के लिए किसी कार्यक्रम के लिए स्थल का निर्माण करा देंगे। लेकिन किसी भी बेमान और भ्रष्टाचारी को अराजकता फैलाने की छूट नहीं देंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। और इसीलिए इन सब प्रयासों का परिणाम है कि हमने युवाओं की ऊर्जा का लाभ दिया, उन्हें सम्मान दिया, तो उत्तर प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से अब देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बनने में सफल हुआ है। भारत की GDP में आज उत्तर प्रदेश लगभग 9.5% का अपना योगदान दे करके देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके सामने आया।